नमस्कार, इंडियन टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने सोनू देव यादव को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने सोनू देव यादव राष्ट्रीय स्वयं सेवक को अंगवस्त्र आदि भेंट करके सम्मानित किया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देश से भगाने के दायित्व निर्वहन में लगे उसी तरह सोनू देव यादव लगे हुए हैं। लोग घरों में कैद होकर परिवार के साथ समय गुजार रहे हैं तो जंग के तमाम योद्धा दायित्व निर्वहन के चलते परिवार का सुख भूल बैठे हैं। सोनू देव यादव समाज सेवा में लगे रहे, ऐसे कर्म योद्धाओं का सम्मान लोगों द्वारा किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सोनू देव यादव ने मजदूरों के लिए, गांव के असहाय गरीब लोगों के लिए हर संभव मदद की है। इस दौरान सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, इसमें अपना जान जोखिम में डालकर देश की सेवा में अपना दायित्व निभा रहे कोरोना योद्धाओं का योगदान प्रशंसनीय है। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं नेहरू युवा केंद्र बलिया का हनुमानगंज ब्लॉक के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के पोस्ट पर वर्तमान में कार्यरत हूँ और मेरा नाम सोनू देव यादव है। इस कोरोना महामारी में तमाम तरह की जितने प्रशासन थे, जितने लोग थे, वो कार्य कर रहे थे और इसी बीच में नेहरू युवा केंद्र के लोगों ने भी अपना योगदान बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके लोगों के बीच में रखा और लोगों की बहुत ही मदद की। इसके बारे में आप अपने बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से लोगों के बीच में जा करके लोगों की मदद की। मैं सबसे पहले अपने युवा मंडल के जो साथी हमारे हैं उनके माध्यम से हमने एकदम ग्रामीण स्तर पर जिस तरह से हम लोगों ने कार्य किया है, चाहे वो जागरूकता अभियान हो, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो, चाहे पोस्टर के माध्यम से या स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोगों ने समन्वय करके उनको अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि अपने अपने ग्राम पंचायतों में उनका हमने बहुत सहयोग किया। साथ ही साथ हम लोगों ने जिला प्रशासन का भी सहयोग किया, जिस तरह से यूट्यूब लिंक के माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार करवाया या सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम माध्यमों से हम लोगों ने ग्राउंड स्तर तक कोरोना महामारी को प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई। जी, ये सारे कार्यों को देखते हुए आपको चैनल द्वारा सम्मानित किया गया है, आपको चैनल द्वारा सम्मानित पाकर कैसा महसूस हो रहा है? चैनल द्वारा सम्मानित पाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक नेहरू युवा केंद्र इतने बड़े संगठन का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और इस तरह के जो हमारे साथियों ने काम किया मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि ये और भी आगे इस तरह के महामारी में या इस तरह की जो भी समस्याएं आती हैं जिला प्रशासन और शासन प्रशासन का सहयोग कर इन्हें आगे बढ़ाते रहें। आप अपने माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी आज के समय में लोगों को मदद करने में बहुत पीछे है और आगे कदम नहीं बढ़ा पाती है, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? मैं उन युवा पीढ़ी को जो संदेश देना चाहूंगा कि आप अपना काम करते हुए भी जो आपके पास जो समय बचता है वो समाज के लिए समय दें, ताकि हम जिस उद्देश्य से हम लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है एक इंसानियत के नाते, हम चाहे तो किसी भी बड़ी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं या उन समस्याओं को हम समाप्त भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो या सामाजिक समस्या हो या महामारी हो या दैवीय समस्या हो। किसी प्रकार की समस्या का अगर युवा एक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो किसी प्रकार की समस्याओं को उनके पास समाधान है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।